तो दोस्तों यह एक 5 वोल्ट का अडैप्टर है केबल सेटअप बॉक्स का। जी हाँ दोस्तों, और ये खराब हो चुका है जिसका रिपेयर करके मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। जी दोस्तों, मैं आप लोगों को रिपेयर करके नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपका जो अडैप्टर खराब हो जाता है, आप उसका रिपेयर नहीं करना चाहते या आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बदले मैं आप लोगों को एक मस्त जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना जो सेटअप बॉक्स है या कोई भी डिवाइस है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह एक 5 वोल्ट का केबल सेटअप बॉक्स का एडाप्टर है ना। तो दोस्तों, इसका रिपेयर करके मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूं। क्यों नहीं दिखाने वाला हूं, ये आपको पहले बताता हूं। तो यहां पर सर्किट ड्राइवर को ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, क्या है कि इसका जो सर्किट ड्राइवर है ना, पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इसका IC जल चुका है और इसका रेक्टिफायर शॉर्ट हो चुका है, इसका फ्यूज उड़ चुका है, यानी कि इसमें बहुत कुछ फॉल्ट है। ऐसा नहीं कि इसका रिपेयर नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, लेकिन इसका रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सेम नंबर का IC मिलना मुश्किल हो जाता है, सभी लोगों को नहीं मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों, इसी कारण से मैं आपको इसका रिपेयर करके नहीं दिखाने वाला हूं, इसके बदले आपको एक जुगाड़ बताने वाला हूं कि अगर आपका 5 वोल्ट का एडाप्टर यदि खराब हो जाता है ज्यादा मात्रा में, तो आप कैसे एक जुगाड़ की मदद से अपने जो सेटअप बॉक्स को चला सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्ट और 1.5 एम्पियर का यह एडाप्टर है ना, इसको आप देख लीजिए है ना। तो आपको यहाँ पर करना क्या, आपको एक मोबाइल चार्जर लेना है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट का होता है, आपको पता होगा, और इसका एम्पियर अलग अलग होता है ना दोस्तों। आधे एम्पियर का आता है, 1 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का, 2, 2.5, 3 ऐसा कुछ एम्पियर का आता है। तो आपको यहाँ पर सेम एम्पियर का लेना है, जो पुराना चार्जर आपके घर में पड़ा हुआ रहता है ना, उसी को आपको यूज करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1.5 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का आपको एक मोबाइल चार्जर लेना है, जो आपके पास या आपके दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास जरूर पुराना पड़ा हुआ रहेगा, उसको आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। इससे आपका जो सेटअप बॉक्स है दोस्तों, ये वाला केबल का, ये 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या, इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए भी आपको कुछ बात को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका जो इन आउटपुट वायर था उसको निकाल दिया हूँ पहले से, लेकिन आप जो चार्जर यूज करेंगे तो उसमें तो वायर तो लगा हुआ रहेगा है ना। तो उसका रेड वायर प्लस का होता है और ब्लैक वायर माइनस का। तो यहाँ पर मुझे पता है इसमें कि कौन सा प्लस माइनस है, यहाँ पर जो रेड वाला पॉइंट होता है। अब इसका पिन है ना दोस्तों, ये वाला पिन, तो इसका पिन का जो ऊपर वाली जो होता है ना, वह प्लस माइनस का होता है, और अंदर वाली जो होल होता है ये प्लस का होता है ना, ये आपको बात को ध्यान रखना है। लेकिन इसका वायर सेम कलर का है, तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायर प्लस का और माइनस का है, तो इसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको मल्टीमीटर लेना है यहाँ पर, और बजर मोड में आपको सेट करना है, कंडूडी मोड में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कौन सा वायर प्लस का है, कौन सा माइनस का चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पिन है उसके ऊपर वाली माइनस वाली पॉइंट में हम इस प्रॉप को रखेंगे, और इस साइड हम देखेंगे कि किस वायर में कंडूटी आ रहा है ना। जिस वायर में भी कंडूटी आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह माइनस का होगा है ना। तो चलिए देखते हैं दोनों वायर में यहाँ पर कंडूटी आ रहा है कि नहीं, या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो वायर है ये माइनस वाली पॉइंट का है, इसमें जुड़ा हुआ है ना, ऊपर वाली पॉइंट में, और जाहिर सी बात है दूसरा वायर प्लस का होगा। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं अंदर वाली होल में, जो कि प्लस का होता है। अब इस वायर में देखते तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, यानी कि अंदर वाली ये वाली जुड़ा, ये वाली प्लस का है, हमें पता चल चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आपको पहले पता कर लेना कि कौन सा वायर प्लस में लगेगा और कौन सा वायर माइनस में है ना। तो आपको पहचान करके रख लेना है ना। मैं यहाँ पर प्लस वाली को मोड़ दिया हूँ। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट चार्जर में अपना जोड़ देना है ना। तो चलिए जो चार्जर है उसका प्लस वाली में और माइनस वाली में जो वायर हमने पहचान किया उसको जोड़ेंगे। तो ये वाली प्लस का है और ये वाली माइनस का है, जो लास्ट में इधर सर्किट के किनारे ये वाला। आप कैपेसिटर के जरिए भी पहचान कर सकते हैं, कैपेसिटर का जो माइनस वाली लेग है ये माइनस का होता है, यहीं पर आपको 5 वोल्ट आउटपुट का माइनस जोड़ना होता है और उसके प्लस वाले में प्लस जोड़ना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका सप्लाई जोड़ दिया हूँ, प्लस वाली को प्लस में, माइनस को माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले फिट करेंगे और इसका दोस्तों आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे और इस सेटअप बॉक्स को आपको चलाकर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फिट कर दिया हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर सप्लाई देंगे इस चार्जर में और मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपने बोर्ड में सप्लाई दे दिए हैं। इसके बाद मल्टीमीटर लेंगे और DC रेंज 20 में सेट करना है, DC रेंज 20 में है ना।
इसके बाद हम यहाँ पर दोनों प्रॉप की मदद से इसका वोल्टेज चेक करके देखें, माइनस को माइनस में प्लस को प्लस में रखते हैं तो यहाँ पर 5.37 वोल्टेज आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है मल्टीमीटर में, तो इसमें 5 वोल्ट पूरा आ रहा है। अब अगर हम प्रॉप को चेंज करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो माइनस का आइकन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रॉप गलत लगाया है, यानी कि ऊपर वाली जो पिन होता है वो माइनस का होता है, यहाँ पर हम माइनस प्रॉप को रखेंगे तभी माइनस का आइकन हट जाता है। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन भी सही हुआ है। अब हम इसको जो हमारा सेटअप बॉक्स है ना केबल वाली, इसको सप्लाई देंगे इसमें और आपको चलाकर दिखाएंगे। चलिए इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसमें सप्लाई दे दी है, हमारा जो सेटअप बॉक्स वह ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर आपका 5 वोल्ट का एडाप्टर ख़राब हो जाता है तो आप सेम एम्पियर का मोबाइल चार्जर लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।